हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे उप्स, मुझे सुबह सुबह लग गई। यस, सुबह के बज रहे 6:30 एंड इस तरह का रेनी क्लाइमेट है। आज रात से ही रात भर बारिश रही है हमारे यहाँ। मैं नवी मुंबई से हूँ और आज 3 जून एंड आपको पता है आज का जो क्लाइमेट है वो बोला गया है थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। तो बस मेरी नींद खुदी, कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, मतलब इतना जल्दी वीडियोस बनाने का कोई प्लान नहीं था। आज पूरा दिन व्लॉग ज़रूर करूँगी बट सोचा ये क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ठंडा हो चुका है क्लाइमेट कल रात से ही। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ज़ोर से हवा चलती है बीच में एंड फिर रुक जाती है। तो यस, चलो जा रही हूँ वापस थोड़ा सोने। जस्ट सोके उठी हूँ, मेरा फेस और मैंने रात को पिंपल मार्क्स के लिए क्रीम लगाई थी, शायद वो भी यहाँ वहाँ लगी हुई आपको दिख रही होगी। बहुत ठंडा मौसम हो गया बट फर्स्ट टाइम है कि मैं रेनी सीज़न के लिए लाइक आज का, मतलब आज से ही आप समझो कि बारिश चालू हुई, लाइक 2 जून से बारिश चालू हुई है। 2 जून की इवनिंग से तो बारिश, पहली बारिश आप मुंबई की आप बोल सकते हो। लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ फर्स्ट ट्रेन के लिए, क्योंकि ये बारिश के पीछे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। तो उसी वजह से बहुत सारी बातें करनी है, मैंने बोला ना। चलो आराम से बात करूँगी, फ़िलहाल जा रही हूँ सोने। एक बार और ज़रा मौसम देख लो। So I just woke up again. बहुत अच्छे से सो गई थी, काफ़ी लेट उठ रही हूँ। अच्छी नींद आई थी यार। एक्चुअली कल रात भर में बहुत डिस्टर्ब थी। बोला था कि साइक्लोन के बारे में हमको सबको, मुंबई, महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड थाने साइड वालों को अलर्ट किया था, हाई अलर्ट। एंड मैं थाने की साइड से हूँ, लाइक नई मुंबई थाना ऐसे आता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी पूरी रात की। सुबह क्या होगा, दिन पहले जो बंगाल में हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन थी। टचवुड अभी तक कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, या कुछ हुआ नहीं है ऐसा बोल सकते हो। अगर ये ब्लॉग आप तक नहीं पहुंचा मतलब बहुत कुछ हो चुका है। तो देखते हैं ये ब्लॉग कैसे जाता है। अभी भी थोड़ा सा टेंशन तो है ही ऑब्वियसली। जब तक ये दिन ख़त्म नहीं हो जाता, टल नहीं जाता ये टाइम, जब तक न्यूज़ में नहीं आ जाता कि साइक्लोन जो है वो पास हो चुका है क्लियरली एंड उसने किधर भी कुछ भी हार्म नहीं किया है, तब तक स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। तो बस गुड मॉर्निंग गाइज, अभी जा रही हूँ नीचे। हाँ, फ्रेश होके जाऊँगी। सबसे पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी व्हाट आई ईट इन अ डे, लाइक अपने मील्स थोड़ी शेयर करूँगी। आपने बैंगिंग की आवाज़ सुनी, हवा बहुत तेज़ है गाइस और बहुत टेंशन हो रही है मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो व्हाट आई ईट टाइप वीडियो है, शेयर करूँगी मेरे दिन की थोड़ी क्लिप्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं डे। सो गाइस, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं मेरी मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ न्यूहर्ब्स ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, जो कि मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। बैलेंसिंग द प्योरिटी एंड सेफ्टी पैरामीटर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्वदेशी एप्पल्स, दिस विनेगर इज मेड विदाउट यूज ऑफ कलर, फ्लेवर एंड एडेड शुगर टू मेक इट सेफ फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज़ एलर्जन फ्री, ग्लूटेन फ्री, पीनट फ्री, soya free and it is tested microbiologically. Add 2 tablespoons, that is 10 ml of Neuherbs organic apple cider vinegar to a glass of water, that is 250 ml twice a day before your heavy meals. It can be used as a salad dressing, adding 1 tablespoon on vegetables or fruits. It is useful for diabetic patients, one who wants to manage cholesterol, fitness freak having digestion problem, PCOD, good for skin and hair care, cooking food during lockdown. So guys, opt for desi solution for all general health problems and build your immunity in this pandemic. Support #VoiceForLocal. एंड गाइज मेरे मॉर्निंग ड्रिंक के बाद में मैं 30 मिनट्स के बाद करती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट. आज मेरे ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ मूसली एंड मिल्क. बिलीव मी गाइज, मुझे ये मूसली ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद मिली. फ्रेश हो चुकी हूँ. सच बताऊँ तो नहाई नहीं है क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही है और मेरा नाइट ड्रेस मैंने हवा में रख दिया है. और हाँ, अपडेट ये है हमारे यहाँ की कि अब तक मेरे एरिया से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि ये गिर गया वो गिर गया. अपार्ट फ्रॉम 3-4 झाड़ गिरने की न्यूज़ आ चुकी है और एक आधा पतरा भी उड़ चुका है अभी तक. दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और ये अपडेट है. एंड अभी तक जो साइक्लोन है वो मुंबई की तरफ नहीं आया है. अलीबाग को हिट कर चुका है बट तो वो ऑन द वे मुंबई है. एक आधे पौने घंटे में है, अराउंड 1 घंटे में आने वाला है. तो लेट्स सी किस तरह से होगा आगे का. बट टच वुड टिल नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन. मेरी सोसाइटी का भी एक झाड़ गिरने पे है. बादाम का झाड़ है बहुत बड़ा, तो हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया है एडवांस में कि अगर उनसे पॉसिबल है तो वो आके उसको काट जाए, नहीं तो फिर गिर जाएगा तो फिर थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा सोसाइटी में. बट देन कुछ नहीं कर सकते राइट, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो उनका भी आना है वो सब थोड़ा सा रिस्की है तो आ ना पाए शायद. तो यही है गाइस और अपडेट देती रहूँगी. और मैंने मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया, मेरा एप्पल साइडर विनेगर भी पी लिया. एप्पल साइडर विनेगर ज़रूर ट्राई करना. न्यूहर्ब्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको परचेज लिंक मिल जाएगा. अभी अवेलेबल है उनका डिलीवरी अमेजोन वगैरह से, तो आप ट्राई कर सकते हो. बस अभी जाती हूँ नीचे, देखती हूँ लंच का कैसे प्रिपरेशन है. मम्मी वैसे सब्जी और दाल वाल बना रही थी और आपको बैंगिंग वगैरह की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि खिड़की दरवाजे सबके बैंग हो रहे हैं, उतनी तेज़ हवा तो चल ही रही है. तो चलो चलते हैं नीचे, देखते हैं लंच में क्या है. तो गाइस दोपहर के 2:30 सब हो चुका है, सब बज के चले गए, ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं. और जस्ट न्यूज़ आई है कि साइक्लोन पनवेल तक पहुंच चुका है. एंड पनवेल से हमारा वाशी कोई दूर नहीं है. एंड वो जिस स्पीड से आ रहा है ऐसे आ सकता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है. बारिश इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है बट हवा बहुत ज़्यादा चालू है. हम लोग एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो हमको उतना यू नो आपको दिख रहा नहीं है क्योंकि कुछ ज़्यादा उड़ नहीं रहा है. बट हम जैसे ऊपर देख रहे हैं झाड़ वगैरह तो ऐसे पूरा इधर उधर. हमने किसी ने भी अभी तक लंच भी नहीं किया, हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है. लाइक स्पेशली मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सब चीज़ों से. मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ. चलो देखते हैं. आपको आवाज़ें आ रही होगी राइट, कुछ तो ठाम ठूम कहीं ना कहीं चालू ही है. मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ हवा. ये देखो झाड़ वगैरह कैसे हमारी बिल्डिंग पे आ गया है. ये इतना बाहर नहीं था. और आप देख रहे हो तो झाड़ गिर चुके हैं. गाइस आपको आवाज़ें आ रही होगी. देखो इस तरह की हवा की बात करती हूँ तो ऐसी हवा चल रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नज़दीक ऑलरेडी आ चुका है हमारे. तो आई डोंट नो अभी क्या होगा नेक्स्ट. सो गाइस लंच के लिए हम काट रहे हैं आम. हम डिनर एंड लंच के साथ में आम खा रहे हैं. लाइक थोड़े दिनों से जब से आम मिल रहा है इजीली, क्योंकि काफ़ी सीज़न चला गया बट आम हमें मिला भी नहीं था. तो लकीली अभी मिल रहा है बट क्लाइमेट की वजह से थोड़ा डैमेज पीस मिल रहा है. मतलब ये फर्स्ट सीज़न होगा जो हमने मैंगो एक्चुअली में इन्जॉय नहीं किया. लाइक पेटी वेटी कुछ नहीं आ पाई क्योंकि बेसिक सामान ही हमें इतनी मुश्किल से मिल रहा था. और इनफैक्ट अभी भी तो ये मैंगो डिमांड पे कहाँ ही हम ढूंढते हैं. बट चलो थैंक गॉड हमें खाने तो मिल रहा है अच्छा अच्छा या फिर जैसा भी. क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ हम देखते हैं वो सब देख के ऐसे लगता है कि हमेशा हमें गॉड को 100 टाइम्स थैंक यू बोलना चाहिए डे में. तो चलो लंच के साथ मिलती हूँ. सो गाइस दिस इज़ माय लंच। एक पराठे जैसी बड़ी रोटी, क्योंकि एक ही रोटी खानी है तो मैं 1.5 रोटी का आटा जो हो एक ही पराठे जैसी रोटी बना लेती हूँ। दाल, फ्रेंच बीन और आलू की सब्जी एंड कांदा, ये है मेरा लंच। इसके साथ मैं खा लूँगी थोड़ा सा मैंगो जो मैंने आपके सामने कट किया। तो बस लंच कर लेते गाइस। मूड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इसलिए ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं बातचीत करके, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे एक्चुअली। तो चलो ये लंच एंजॉय कर लेती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। चली गई है और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है और टाइम है झाड़ू पोछा मारने का। सुना पापा ने क्या बोला? बोलते हैं पंजाबी में कि बाई आज बहुत लेट आई है, दैट इज़ मी। तो एक्चुअली मैं 3 महीने होना है, 81 डे है आज मैं क्वारंटीन होम लॉक्ड हूँ। एंड एक्चुअली मैं बाई की ही नौकरी मुझे अभी मिलेगी इसके बाद, मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से फिटनेस इंडस्ट्री हार्म हो रही है इस लॉकडाउन के वजह से, तो दिस इज़ वाई आई एम डूइंग झाड़ू पोछा प्रैक्टिस सो मच। कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। चलो मजाक नहीं करते, काम ख़त्म करते जल्दी से, क्योंकि लाइट ऑफ करनी है, लाइट नहीं है, इन्वर्टर ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है वापस कब आएगी। पोछा सब हो चुका है, थोड़ा मेरे को मेरा बेड क्लीन करना बाकी है। ऊपर आ गई हूँ लेके मेरा हॉट वाटर। यस, लंच को 40 मिनट्स हो गए, मेरे झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया, अब पीऊँगी हॉट वाटर। आप देख रहे हो धुआं भी आ रहा है, इतना हॉट है ये, तो फिलहाल 2 मिनट रखूँगी। और ये क्लाइमेट पे विंडो पे बैठ के हॉट वाटर पीने का मज़ा ही कुछ और है। जब तक समर सीज़न था ना, हॉट वाटर पीने सच में जान पे आता था, बट लकीली अब से क्लाइमेट अच्छा हो गया है तो हॉट वाटर पीने का मज़ा ही कुछ और है और ना ही कोई तकलीफ़ होगी हॉट वाटर पीने के लिए। बारिश की जहाँ तक बात है, बीच में जब मैं झाड़ू पोछा करने के पहले, मतलब उस टाइम, सब आज अभी से 10 मिनट 15 मिनट पहले तक बहुत ज़्यादा तेज़ थी, अब एकदम हल्की हो गई है। और एक गुड न्यूज़ आई तो है कि जो साइक्लोन था वो मुंबई की तरफ नहीं आके नासिक पुणे की तरफ चला गया है। एंड मैं विश करती हूँ वहाँ से भी कहीं चले जाए एंड इतना दूर चले जाए कि कोई भी सिटी को हिट ना करे। तो अभी मुंबई के लिए तो बोला है कि खतरा नहीं है फ़िलहाल, बट लेट्स सी, अभी नेचर को क्या बोल सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल थोड़ा सा शांति है, बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है और हवा बिल्कुल बंद हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ झाड़, इस तरह से झाड़ मुरझा गए हैं बट हवा बंद हो गई है। तो चलो भाई, ये क्लाइमेट के साथ मैं एंजॉय करती हूँ मेरा हॉट वाटर। एंड बोलते ही हवा चल गई। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको छोटे से ब्रेक में, इवनिंग में पीऊँगी कॉफ़ी और कुछ कुकीज़ खाने लगी हूँ आजकल मैं इवनिंग में। जो भी है शेयर ज़रूर करूँगी। मैंने मेरी विंडो पूरी खोल दी है, बालकनी डोर खुला रखा है ताकि मेरे रूम में अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ जाए। तो चलो एक छोटे से ब्रेक में मिलती हूँ, लाइक 2 घंटे के बाद। हॉट वाटर पी लेती हूँ, मौसम का एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि अब टेंशन थोड़ी सी कम हो गई है। सुबह से इतनी टेंशन थी इनफैक्ट कल से कि ये मौसम बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाई, बट अब स्ट्रेस लेस हो चुकी हूँ तो एंजॉय करूँगी ये क्लाइमेट। शाम के बज रहे 6 और बाहर का क्लाइमेट आप देखो, सिर्फ 6 बज रहे और ऑलरेडी इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। मैंने बालकनी में रखी है मेरे एसी के ऊपर मेरी कुकीज़, ये 4 कुकी है और ये है मेरी कॉफ़ी। तो यहाँ पे बैठकर ये नज़ारे के साथ मैं इंजॉय करने वाली हूँ। बाहर बात नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है एंड आपको मैं दिखूँगी नहीं प्रॉपरली। जहाँ तक कॉफ़ी की बात है, इवनिंग में मैं कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पी रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरी ऑलरेडी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के कारण। सोने का उठने का कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं हो रहा है, उस कारण से मैं कॉफ़ी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं मुझे कॉफ़ी पीने से। नींद नहीं आ रही है, लेट तक जागी हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, सो रही हूँ तो बहुत लेट तक सो रही हूँ, तो बहुत इशू हो रहा था। तो मैंने 15-20 डेज़ से कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अवॉइड की है, बट वर्कआउट करने के पहले 2-3 घुट पी लेती हूँ, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती थी। मैंने आज कम से कम 15 डेज़ के बाद कॉफ़ी ली है, नहीं तो मैं इवनिंग में मोस्टली थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ या फिर ग्रीन टी ले लेती हूँ, नहीं तो फिर कभी कभी कॉफ़ी, नहीं तो मैं ले लेती हूँ एक फ्रूट आज घर पे फ्रूट नहीं है क्योंकि साइक्लोन के चक्कर में हम आज मार्केट गए नहीं सामान लेने, और आज जाना ज़रूरी था क्योंकि ऑलरेडी 1 वीक का सामान हम एक साथ लाते हैं एंड आज वो 1 वीक से ऊपर हो गए, सामान नहीं आया है। तो कल का माहौल कैसे होगा उसके हिसाब से देखेंगे, सामान लेने जाएंगे अगर पॉसिबल होगा, क्योंकि वार्निंग मिली थी कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो हम सामान लेने भी नहीं गए, जो भी था वही है। अब मैं जा रही हूँ बालकनी में, बाहर बहुत डार्क है। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स शेयर करूँगी। मैं जस्ट फेस वॉश करके आई तो थोड़ी सी गीली हो गई हूँ। नहीं यार, अच्छी खासी रोशनी आ रही है। तो मेरा रबर बैंड मेरा थोड़ा सा ये गंदा हो गया है, तो माइंड मत करना है। यहाँ पे एक्चुअली कबूतर को मैं खाने देती हूँ, कौवा कबूतर, तो उसी पे मैंने मेरा मग वगैरह रख लिया है लाइक टेबल। तो बस गाइस, चलो अपना इवनिंग कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ कुकीज़ के साथ। एंड क्लाइमेट बहुत अच्छा हो रहा है। आपको ब्लेम कर देते हैं पप्पा, झाड़ रहे पूरी तरह। अरे बची खाली चाचा हंस के आंसू आ गए उसको। दर्द तो मिल गई क्या पापा अपने? ये अपने निकल गए क्या दो? हाँ गया गया। अरे 20 करो, चलो 10 रुपए कमा ली है। अरे निकल निकल पहले। अरे ओ यार बोल रही थी ये निकालती थी पहला यार। ओ वाओ, कमान पप्पा। अच्छा ओ शिट, अपने बीच निकल के गुल्ले 10 मार के उड़ा दे बाबा। 10 में जाएगा तुझे। तो आ गई, बट पानी इस तरह से मिला है। आज हमें पानी भरना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से पानी नहीं आया है। जो है अपना मेन कनेक्शन जो पानी का होता है वो डैम की तरफ से या पता नहीं कहाँ से पाइपलाइन टूट गई है, so there will be no water for today and tomorrow, so we actually don't even have that क्या बोलते हैं, बाल्टियाँ। ज़्यादा बाल्टियाँ नहीं है हमारे पास क्योंकि हमारे मुंबई में, स्पेशली नवी मुंबई में, we have luckily 24 hours running water and light, और आज सुबह से ये दोनों चीज़ों ने बहुत परेशान किया है, तो यही चालू है। तो वैसे कम पानी यूज़ करके बर्तन कर लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि फिर बाद में गंदे ही रह जाएंगे कल परसों तक, क्या पता। So guys, this is omelette, my dinner। इस तरह के 2 ऑमलेट खाऊंगी मैं। आपको चाहिए तो आप रोटी वगैरह ले सकते हो, बट मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। एक्चुअली जो रूटीन है वो ऊपर नीचे हुआ पड़ा है ना, तो इसीलिए इस टाइम पे भूख नहीं लगती है। थोड़ा सा लेट नाइट भूख लगेगी तब मैं थोड़ा सा स्नैक्स कभी कभी खा लेती हूँ, बट देन फॉर नाउ दिस इज़ माई डिनर। तो आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, लास्ट मोमेंट थोड़ा चेंजेस हो गया। मम्मी ने बोला कि 2 ब्रेड ले, तो मैंने बोला ठीक है 2 ब्रेड दे दो, बट फिर अंडा एक ही लूँगी मैं। तो ये है मेरा डिनर। तो ये साथ मैंने, अच्छा ठीक है मैं खा के आपसे बात करती हूँ आराम से। सो हाय गाइस, तो बस चावल ले लिया है मैंने, आपके साथ में डिनर शेयर किया। बट एक चीज़ मिस हो चुकी है, वो है बेड टाइम वाटर। तो बेड टाइम पे 2-3 ऑप्शंस है मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ। सबसे पहले आता है ग्रीन टी, न्यूहर्ब्स की ग्रीन टी, नहीं तो ग्रीन कॉफ़ी, न्यूहर्ब्स की ग्रीन कॉफ़ी। उसके बाद थर्ड है मेरा एप्पल साइडर विनेगर। आपको एप्पल साइडर विनेगर दिन में 2 बार लेना है गाइस, सेम तरह से जिस तरह से आपने देखा मैंने लिया था। 2 टाइम लेने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो बस शावर लेके आई हूँ गाइस। मैंने आपको सुबह ही बताया कि मैं अभी तक शावर नहीं ली हूँ, एंड पानी का इतना प्रॉब्लम था कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं था। एंड जो स्टोर्ड वाटर है ना, वो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा क्योंकि क्लाइमेट अच्छा खासा हो चुका है। पानी बहुत ठंडा था जो टैप से आया वो ही। तो स्टोर्ड पानी से अगर मैं नेक्स्ट डे नहा लेती तो फिर मैं फ्रीज ही हो जाती। एंड क्लाइमेट की वजह से सर्दी खांसी ना हो जाए, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी ही नहा लूँ। तो मेरे को हेड वॉश करना था एंड अच्छे से एक शावर ले लिया, पर क्विक शावर लिया। जब शैम्पू लगा रही थी तभी डर लग रहा था कि कहीं पानी बंद ना हो जाए। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने ये बैंड कौन सा पहना है। तो इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करते तो आपको पता है, इसके साथ में बहुत सारी मैंने स्टोरीज वगैरह डाली है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। आज से 6 to 8 मंथ्स पहले 25 का प्लेट उठा रही थी, वेट लिफ्टिंग के दिन 25 का प्लेट उठा। जैसे ही मैंने उठाया तो एक झटका लग गया, जर्क आया। उसकी वजह से मुझे इधर थोड़ा सा इशू हो गया है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन था 3-4 दिन तक। तो सोचा कि पहले कि नहीं कुछ नहीं, ट्यूब वगैरह घर ही पे लगाई थी मैंने, बट वो आराम नहीं आया। तो मैं प्रॉपर डॉक्टर के पास गई थी एंड उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी और बोला था अगर दोबारा से कभी लाइफ में पेन होगा तो हम एक एक्सरे ले लेंगे। तो मैंने बोला था ठीक है। फिर उसके बाद मैं, मतलब ये पेन कंटिन्यू ही था, कभी सॉल्व नहीं हुआ है, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं था। बट गलती से मैं सोने के टाइम पे इस पर वेट डाल के सो गई या कुछ, एंड 10 दिन से ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ना मुझे डॉक्टर अवेलेबल हो गया है, ना ही मैं एक्सरे के लिए जा पा रही हूँ। तो बस यही बैंड है जो उन्होंने मुझे तभी रिकमेंड किया था, और ये क्रीम और एक पेन किलर है जो नर्व्स की है, उन्होंने मुझे वो रिकमेंड की थी। तो मैं वो खाती हूँ दिन, रोज़ नहीं खा रही हूँ पेन किलर, जिस दिन ज़्यादा पेन है उस दिन खा रही हूँ। नहीं तो ये ट्यूब और ये जो बैंड है ये रोज़ मैं दिन में लगा लेती हूँ। दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा है। बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है, बहुत सारे इंस्टाग्राम कमेंट्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस आते रहते हैं कि दीदी प्लीज़ व्लॉग, वी आर वेटिंग। आई नो गाइज, आई एम रियली सॉरी, बट यही होता है गाइज। मेरा रूटीन बिल्कुल सेम इसी तरह से डेली रूटीन होता है। आप मुझे बताओ मैं क्या शेयर करूं। बट अगर आपको फिर भी अच्छा लग रहा है तो मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो आपसे इसी तरह से मिल सकती हूँ। फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने घर पे ही रहो, सेफ रहो। आपके यहाँ के क्या हाल चाल है प्लीज़ बताना। आज से 1 वीक हो गया है कि थोड़ा तो कंफर्टेबल है, हम राशन वगैरह परचेज करने के लिए मिल रहा है, नहीं तो हमें कम्प्लीटली कुछ नहीं मिल रहा था। बट अभी टचवुड थोड़ा तो हमारे यहाँ सर्विस बेटर हो गई है, एंड आई होप आने वाले दिनों में सब कुछ सॉल्व हो जाए। आपके आके क्या हाल चाल है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।